नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका साथी, आपका दोस्त विजेश्वर निर्दोष। निर्दोष टेक ऑनको के एक और एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और बेहतर होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक मेरा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। और कहीं ना कहीं हम और आप रिस्पॉन्सिबल हैं, जो आज के समय में हम बच्चों की हेल्थ के ऊपर जब ध्यान देते हैं तो किसी न किसी बच्चे में न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा ओबेस है, बहुत ज़्यादा मोटा है, और कोई बहुत ज़्यादा पतला है, कोई कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, कोई अपने वर्क को याद नहीं रख पाता है, बच्चों का नेचर बहुत ही फ्लिटिंग हो चुका है, और बच्चों का जो बिहेवियर है वो भी अजीबोगरीब हो गया है। कभी वो हाइपर एक्टिव होते हैं, कभी वो डिप्रेस्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों की इस मेंटल हेल्थ के ऊपर हमें और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और दूसरों के साथ जरूर बांटिए, ताकि हम और आप एक दूसरे की ऐसे ही मदद करते रहिए। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं विजेश्वर निर्दोष, रेडिएशन थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जंक फूड की, या फास्ट फूड जो हम अपने बच्चों को आए दिन अपनी ज़िंदगी में उनको देते ही रहते हैं, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, या लंच के समय में वो स्नैक्स हो, या फिर डिनर के समय में वो सारी चीज़ें जंक फूड के रूप में हम अपने बच्चों को कंज्यूम कराते हैं, उनको खिलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस जंक फूड का बच्चों की ओवरऑल हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर पड़ता है। अगर आपने समय से नहीं जागे तो इसके रिजल्ट्स आपको फ्यूचर में बहुत ही ख़राब देखने के लिए मिल सकते हैं। तो बेहतर है कि अभी से हम इन सब चीज़ों को लिमिटेड कर दें, या बच्चों की डाइट में से उसको ख़त्म कर दें, या उसका परसेंटेज एकदम नहीं के बराबर कर दें, क्योंकि जंक फूड हमारे बच्चों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब होता है। तो दोस्तों, आइए जानने की कोशिश करते हैं कि जंक फूड ख़राब क्यों है, हमें इसे क्यों अवॉइड करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला ही पॉइंट है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, क्योंकि जो जंक फूड होता है वो हाई इन कैलोरीज, उसमें शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, हाई इन फैट्स, उसमें फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, सॉल्टी बहुत ज़्यादा होता है, मगर उसमें विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स बिल्कुल नहीं के बराबर होते हैं। और जब ऐसा जंक फूड बच्चे को हम खिलाते हैं तो उसका पेट तो भर जाता है, मगर उसकी बॉडी के न्यूट्रिशंस में कमी रह जाती है, और ओवरऑल उसकी पूरी हेल्थ के ऊपर इसका बहुत ही गहरा असर पड़ता है। ये हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। और जब ये न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी बच्चे की बॉडी में एग्जिस्ट करने लगती है तो उसके फ्यूचर में, ग्रोथ में और उसके डेवलपमेंट में एक ये बहुत बड़ा रोड़ा बन जाता है। दोस्तों, दूसरा सबसे मेजर पॉइंट है मोटापा, ओबेसिटी। आपने दोस्तों देखा होगा कि आजकल के बच्चों की हेल्थ बहुत ही अजीबोगरीब हो गई है। अभी उनकी इतनी एज नहीं होती पर वो इतने मोटे दिखते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे उनके अंदर हवा सी भरी हुई है। दोस्तों, इसके पीछे जंक फूड, फास्ट फूड ही रिस्पॉन्सिबल है। और दोस्तों, अगर आपने जंक फूड को अपने बच्चों की डाइट में लिमिट नहीं कराया, हटाया नहीं, तो ये बच्चों में ओबेसिटी का कारण बन जाता है। और मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो मल्टीपल बीमारियों को अपने शरीर के अंदर न्योता या आमंत्रण देता है। अब वो बीमारियां क्या हो सकती है? कार्डियोलॉजी की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि हृदय संबंध परेशानियां हो सकती हैं, टाइप 2 डायबिटीज़ की परेशानी हो सकती है, थायराइड की परेशानी हो सकती है। दोस्तों, बहुत सारी मेजर बीमारियां हैं जिसमें से कैंसर भी एक है। और अगर आप अपने बच्चों की डाइट में इसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो भविष्य में आपके बच्चे को ये सारी बीमारी होने की आशंका बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, तीसरा सबसे मेजर पॉइंट है पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। देखिए दोस्तों, जो बच्चे सबसे ज़्यादा जंक फूड खाते हैं तो उनके साथ स्कूल्स में और उनकी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। क्यों? क्योंकि बहुत हाई इनटेक ऑफ जंक फूड, क्योंकि वो बच्चे की शरीर में न्यूट्रिशंस की कमी को पूरा नहीं करते हैं और बच्चे के अंदर न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी होने लगती है, तो उसके इस माइंड पर, उसके ब्रेन के डेवलपमेंट पे इसका बहुत ही गहरा इम्पैक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से बच्चे का एकेडमिक परफॉर्मेंस या स्कूलिंग परफॉर्मेंस एवरेज हो जाता है या उससे भी बिलो चला जाता है। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखने और सोचने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जो बच्चे जंक फूड बहुत ज़्यादा अपनी डाइट में खाते हैं, तो आपने आजमाया होगा कि उन बच्चों में याद करने की क्षमता और कंसंट्रेशन की क्षमता में बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी होती है। दोस्तों, चौथा मेजर पॉइंट है बिहेवियर इशू। बच्चों के बिहेवियर में सडन चेंजेस आ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं।
क्योंकि दोस्तों रिसर्च और स्टडीज बताती है कि जंक फूड में जो प्रिजर्वेटिव्स और जो कलर्स यूज करते हैं वो इन सब बिहेवियर के पीछे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा जंक फूड खा रहा है क्योंकि उसमें आर्टिफिशियल कलर यानी कि केमिकल्स हैं और आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स हैं जो कि हमारी बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। जब उनको जंक फूड की क्रेविंग होती है और जब नहीं मिलता है तो बहुत ही लथार्जिक और डिप्रेशन मोड में रहते हैं। दोस्तों पांचवा और सबसे कॉमन पॉइंट है डेंटल प्रॉब्लम, क्योंकि दोस्तों इसमें शुगर बहुत ज़्यादा मात्रा में जंक फूड में पाया जाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है बच्चों में कैविटी और अदर डेंटल प्रॉब्लम के। दोस्तों छठा मेजर पॉइंट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में जब जंक फूड खाया जाता है तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि दोस्तों जंक फूड में हाई अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट शुगर या फैट बहुत ज़्यादा होता है या बहुत ज़्यादा सॉल्टी होते हैं, क्योंकि टेस्ट को बहुत अच्छा बनाना होता है। तो जब ये बच्चा बहुत ज़्यादा खाता है तो भविष्य में उसको टाइप 2 डायबिटीज़ का सामना करना पड़ सकता है। सोच लीजिए जो दोस्तों कि जो चीज़ बहुत ही अट्रैक्टिव है, खाने में बहुत टेस्टी है, तो कुछ भी न्यूट्रिशंस नहीं है तो उसकी वजह से बच्चे को डायबिटीज़ होने की भी संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। दोस्तों सातवें पॉइंट की बात करते हैं एडिक्शन एंड पुअर ईटिंग हैबिट्स की। दोस्तों जंक फूड को ऐसे डिज़ाइन किया ही जाता है कि वो देखने में अट्रैक्टिव लगे और वो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर हाई अमाउंट ऑफ शुगर, कैलोरीज और दोस्तों इसके अंदर फाइबर्स नहीं होते हैं और इसके अंदर मिनरल्स नहीं होते हैं, विटामिन्स नहीं होते हैं, कोई भी अच्छी चीज़ नहीं होती है, और इसके अंदर सिर्फ सॉल्ट, नमक और शुगर और तेल या घी या बहुत ज़्यादा फैटी चीज़ें जिसको हम कहते हैं। तो ये होती है, अगर आपकी एक बार बच्चे को हैबिट पड़ जाती है जंक फूड खाने की तो ये ईयर्स ऑफ ईयर्स तक सस्टेन करने लगती है, और कई बार देखा गया है कि ये बुढ़ापे तक, ओल्ड एज तक चली जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ओबेसिटी, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज़, थायराइड, कई एक प्रॉब्लम फ्यूचर में आपके बच्चे को जवानी में या ओल्ड एज में हो सकती है। तो इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हैबिट से भी बचाना है बच्चे को। दोस्तों आखिरी पॉइंट की बात करता हूँ, वो है मेंटल हेल्थ। देखिए दोस्तों जब बच्चा जंक फूड के ऊपर स्विच कर चुका है तो उसकी मेंटल हेल्थ कभी अच्छी रह ही नहीं सकती, क्योंकि उसकी बॉडी को वो पोषक तत्व तो मिल ही नहीं रहे हैं जो एक अच्छी डाइट में मिलने चाहिए। तो दोस्तों उसकी वजह से बच्चे के अंदर एंजाइटी रहेगी, डिप्रेशन रहेगा और वो कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा और अपनी ओवरऑल स्टडीज़ में, अपने ओवरऑल भविष्य के परफॉर्मेंस में। तो ये मेंटल हेल्थ को भी इम्पेक्ट करता है जंक फूड। तो सच में दोस्तों जंक फूड बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है और इससे हमें अपने बच्चों को दूर रखना है और हमें इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमारे बच्चे जंक फूड के आदि ना हो। उनके बीच में आपको ये बैलेंस बना के रखना है कि टेस्ट के साथ साथ हेल्थ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैंने आपको ओवरऑल बता दिया है कि जंक फूड कितना ख़तरनाक है हमारे बच्चों के लिए, तो हमें अपने बच्चों को जंक फूड से दूर रखना है, उनको उसका हैबिचुअल नहीं बनाना है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, खुश रहिए। नमस्ते, जय हिंद।